हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे बेस्ड है कि मैं आपको बताऊंगा कि PMCO 2020 के लिए आप लोग कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको टूर्नामेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि वहाँ पर क्या होगा, कैसे कैसे मैचेस होंगे और आप कैसे कैसे क्वालिफाई करते जाएंगे आगे नेक्स्ट राउंड के लिए। ओके, सो जो पूरा टूर्नामेंट है उसमें टोटल 32 मैचेस हैं। हर एक मैप के जो हैं वो 8 मैचेस डिवाइड होते हैं, जैसे कि इरेंगल का 8 हो गए, मीरामार के 8 हो गए, शैनॉक के 8 हो गए, विकेंडी के 8 हो गए। और हर मैप में जो है, जैसे 8 मैच का एक मैप है, उसमें आपके जो बेस्ट ऑफ 2 माने जाएंगे। और टोटल टूर्नामेंट जो 32 मैचेस का है उसमें से आपके बेस्ट ऑफ 8 होंगे, जिसके बेस पे आपको रैंक मिलेगी और आप फर्दर क्वालिफाई करेंगे। तो बेसिकली लास्ट टाइम हमारी जो स्क्वाड है, मेरी जो स्क्वाड है, हमने पार्टिसिपेट करा था, लेकिन हम आगे फर्दर क्वालिफाई तो नहीं हुए, लेकिन एक बेसिक हमें पता चल गया कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर की जाए। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे आप लोग इरेंगल में आप फर्स्ट खेल रहे हैं, तो उसमें आपको आप एक अपना पर्टिकुलर ड्रॉप जो है, जो आप वो सिलेक्ट कर लेना, चेंज मत करना। जो आपके 8 मैचेस होंगे उसमें आप ये अपना जो ड्रॉप है वो सेम ही रखना। जैसे आपने पोचिंकी डिसाइड कर लिया तो आप पोचिंकी ही उतरना हर मैच में। एंड एक टीम के साथ ही आप फाइट बैक करना। अगर 2 या 3 टीमें हैं जो जिसके साथ आप मतलब फाइट बैक कर रहे हो, तो आप बैकआउट कर लेना उस समय। तो आप लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि हाँ 32 मैच हैं, उसमें से 8 मैच कौन सी बड़ी बात है, क्वालिफाई करना कर लेंगे। बट आप ये मत सोचना कि वो इजी होता है। आप हर एक मैच को एक मतलब क्वालिफायर राउंड की तरह खेलना, मतलब एक जैसे आपका सेमीफाइनल या फाइनल राउंड है। बिकॉज हमें स्टार्टिंग में तो लगता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन जब जैसे जैसे हम हारते जाते हैं तो हमारे पे वो प्रेशर बिल्ड होता रहता है। और हो सके तो ये ज़रूर ट्राई करना कि आपकी जो पूरी स्क्वाड है वो पूरी स्क्वाड लास्ट तक खेले। मतलब कि ये नहीं कि एक बंदा किसी और डायरेक्शन में जा रहा है किसी और में, और एक एलिमिनेट हो गया, बाकी लास्ट में जो है 3 बंदे जो हैं वो मैच फिनिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आप लोग क्या करना, आप लोग 2-2 की स्क्वाड बना लेना, लेकिन हर एक बंदे को मतलब कवर लेके चलना अपने स्क्वाड में। बिकॉज हमें पता है कि यहाँ हर बंदा जो है वो डिनर के लिए ट्राई कर रहा है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखना कि जब लास्ट में मैच फिनिश हो तो आपकी ये नहीं कि अकेला बंदा हो, कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हो सके, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके जो है स्क्वाड के 3 बंदे वो है वो मैच फिनिशर होने चाहिए। एंड गाइस, जो मेन बात है मैच की, उसमें आप लोग ये मत करना कि आप कैम करके बैठ जाओ और डिनर के पॉइंट्स जो है वही आप लास्ट में अचीव करते जाओ। बिकॉज यहाँ पर किल जो है, किल लेना भी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपको पता है जैसे कि 64 या 65 बंदों की लॉबी बनती है, ठीक है, और उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 या 27 किल आप एक स्क्वाड की मान के चलो जो बेस्ट हो मानी जाती है। अगर आप वो लोग ये वो नहीं ले रहे और कैम कर रहे हो और 7 या 8 या 9 किल में आप जो है अपना डिनर अचीव कर रहे हो, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप लोग इसे क्रू चैलेंज की तरह ही देख सकते हो। बिकॉज उसमें भी हम क्या कहते हैं, हमें टॉप 100 में आना होता है और हमें किल्स भी चाहिए होते हैं, तो हम लोग एक एग्रेसिव टाइप से खेलते हैं। तो इसमें भी आप वैसे ही मानो, बट थोड़ा सा जो है वो संभल के। बट हाँ, एक और चीज़, ये जो लॉबी बनती है वो पूरी क्लियर लॉबी होती है, मतलब इसमें एक भी आपको हैकर नहीं मिलेगा। क्रू चैलेंज में आपको फिर भी 1 या 2 हैकर टकर ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक भी हैकर नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। ओके गाइस, सो बेस्ट ऑफ लक। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन आप ये मान के चलो ये आप मतलब सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है, साल में एक ही बार आती है, लेकिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अंडरडॉग्स के लिए, जो लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। होप करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लाता रहूँगा। मैं देख रहा हूँ कि लोग देख तो लेते हैं वीडियो को, व्यू तो दे देते हैं, बट सब्सक्राइब करके नहीं जाते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लेना, क्योंकि अभी मोस्ट प्रॉब्ली मैं रेगुलर वीडियोज़ ही डालूँगा। पास वाली